एक बार एक किसान को घर के रास्ते में एक नेवला मिला। उसने सोचा यह उसके छोटे बेटे के लिए एक अच्छा साथी होगा। वह उसे अपने घर ले आया। किसान का छोटा बेटा और नेवला जल्दी अच्छे दोस्त बन गए। वे खूब खेलते थे। हालांकि किसान की पत्नी को नेवले ज़्यादा पसंद नहीं आए। एक दिन किसान की पत्नी को बाजार जाना था। उसने अपने पति से बच्चे की देखभाल करने को कहा। किसान ने कहा कि चिंता मत करो, वह अपने बच्चे की देखभाल करेगा। फिर उसकी पत्नी चली गई। जल्द ही किसान को एक साहूकार ने बुलाया। साहूकार अपना पैसा वापस चाहता था। किसान के पास अच्छी फसल थी और उसके पास वापस भुगतान करने के लिए पैसा तैयार था। बच्चा सो रहा था और इस तरह किसान बच्चे को अपने साथ नहीं ले जा पा रहा था। इसलिए उसने बच्चे की देखभाल के लिए नेवले को छोड़ दिया। कुछ देर बाद किसान की पत्नी फलों और सब्जियों की एक टोकरी लेकर वापस आई। उसने नेवले को घर के बाहर इंतजार करते देखा। उसने उसका चेहरा देखा और उसने पाया कि कुछ गड़बड़ है। उसने नेवले का चेहरा और पंजे देखे, वे खून से भर गए। उसने सोचा कि नेवले ने उसके बेटे को मार डाला। वह उस पर चिल्लाई, अरे गंदे प्राणी, तुमने मेरे बेटे को मार डाला। वह रोई और नेवले की सिर पर टोकरी मारी। वह दौड़कर अपने बेटे की ओर बढ़ी। अपने बेटे का जुल्म देख वह आराम से बैठी, लेकिन उसने देखा कि फर्श पर एक मरा हुआ सांप है, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। वह समझ गई कि नेवले ने सांप को मार डाला और उसके बेटे की रक्षा की। लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। वह दौड़कर वापस नेवले के पास गई। आंखों में आंसू लिए उसने उससे भारी टोकरी उठा ली। वफादार नेवला मर चुका था। धन्यवाद।